आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आखिर मई का भी महीना समाप्ति की ओर आ गया। आज 30 मई हो गई है और अगले दो दिनों के अंदर ही मानसून केरल पर दस्तक दे देगा। और ये बहुत कम होता है कि 1 जून का जो डेट है, 1 जून को ही मानसून अगर केरल में पहुंचता है। हालांकि आगे पीछे थोड़ा होता रहता है और वो आगे की जो प्रोग्रेस होती है मानसून की, वो बहुत सारे फैक्टरों पर डिपेंड करती है, बहुत सारे कारक हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है कि कहीं कोई लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी बन गया, अरब सागर बन गया, या कोई एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ कभी फुटहिल्स में शिफ्ट हो गई। तो ये सारे जो क्राइटेरिया होते हैं उसके कारण कभी कभी मानसून रुक जाता है, कभी तेजी से आगे चलता है। तो ऑनसेट के ऊपर डिपेंड नहीं होता कि मानसून पूरे भारत को कब कवर करेगा, या दिल्ली पर कब पहुंचेगा, मुंबई कब पहुंचेगा, या राजस्थान कब पहुंचेगा। तो ये सारा जो क्राइटेरिया है ये डिपेंड नहीं करता। अगर 1 जून को मानसून पहुंचा तो जरूरी नहीं कि वो 8 जुलाई जो नॉर्मल डेट है पूरे भारत को कवर करने की हो जाए। तो कभी कभी क्या होता है कि मानसून लेट ऑनसेट करता है और जल्दी भारत को कवर कर लेता है। तो ये आगे की जो प्रोग्रेस है वो हम उस पर नजर बनाए रखेंगे। तो अब देखते हैं कि मानसून के बारे में बात करेंगे, पहले पूरे भारत के लिए बात कर लेते हैं और किस तरह का वेदर रहने वाला है। आपको मालूम है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी है इस बार। अप्रैल के महीने तक लग रहा था कि इस बार जो लू है, भीषण लू, वो नहीं रहेगी, लेकिन मई का महीना आते आते खास करके दूसरा पखवाड़ा, पहला जो हाफ था उसमें नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बीच बीच में प्री मानसून गतिविधियां हो रही थी, आंधी आ रही थी, बारिश हो रही थी, ये सब हो रहा था जिससे तापमान बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन अब हमने देखा कि जो ये तापमान है वो लगातार बढ़ रहे हैं और जो 50 डिग्री का आंकड़ा कई इलाकों को छू लिया और पार कर गया और 51 डिग्री तक भी पहुंच गया। पाकिस्तान में भी इसी तरह का मौसम देखने को मिला है हमें। तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर आ जाएगा, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आएगा। एक ट्रफ है जो आप देखिए बिहार तक आएगी, और एक ट्रफ है जो साउथ सिंध तक आएगी, और एक ट्रफ है जो यहाँ पर आप देखेंगे ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आसपास दिखाई देगी। हवाएं जो पश्चिमी दिशा से चल रही थी, अब आप देखिए यहाँ से ये अरब सागर है पूरा, यहाँ से घूम करके ये आएंगी। तो ये नमी लेकर के जब हवाएं यहाँ पहुंचेंगी, और ये कल से, आज भी कुछ इलाकों में हो सकता है कि मेघ गर्जना वगैरह हो जाए राजस्थान वगैरह में, लेकिन कल से हमें लग रहा है कि हरियाणा के कुछ इलाके, राजस्थान के कुछ इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, हल्की आंधी आ सकती है। तो इस तरह का माहौल बन सकता है। 1 और 2 तारीख को वेदर एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाएंगी। पंजाब के कई इलाके कवर होंगे, राजस्थान के भी कई इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें होने की संभावना है, धूल भरी आंधी चल सकती है, टेम्परेचर कम हो सकता है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली में भी इस तरह का वेदर हो जाएगा। तो ये जो प्री मानसून गतिविधियां होती है ये एक तरह से कंट्रोलर होती हैं, ये तापमान को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रकृति ने एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक सिस्टम बना रखा है। तो जब लगातार अगर तापमान बढ़ते रहे तो हो सकता है 51-52 डिग्री तक पहुंच जाए और कई लोगों की जान चली जाए, क्योंकि जो गर्मी में काम करते हैं, उमस में काम करते हैं, वो उनको हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन यही है नेचर कि जैसे ही तापमान बढ़ते हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर बढ़ता है, गरजने वाले बादल बनते हैं, धूल भरी आंधी आती है, बारिश होती है, तापमान कम हो जाता है। तो इस तरह की जो साइकिल है वो चलती रहती है। लेकिन इस बार सेकेंड हाफ ऑफ मई पूरी तरह सूखा रहा जिससे भीषण गर्मी रही, लेकिन अब ये राहत दिखाई दे रही है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है पहाड़ों पर काफी कमजोर रहेंगे, तो पहाड़ों पर, ऊंचे पहाड़ों पर हल्की फुल्की आंधी वाधी या बारिश बहुत हल्की रहेगी। पंजाब हरियाणा दिल्ली में अगर हम देखें तो पंजाब में 1 और 2 तारीख को बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, कई इलाकों में दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि लुधियाना और ये बरनाला, मोगा, बठिंडा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, ये जो इलाके हैं, गुरदासपुर, अमृतसर, यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें हो जाएं और जो तापमान बहुत ज्यादा है वो उसमें कमी आ सकती है, 3 से 4 डिग्री गिर सकते हैं। हरियाणा और दिल्ली में भी इसी तरह का माहौल 31 तारीख से बनना शुरू हो जाएगा और 1-2 तारीख तक रहेगा, उसके बाद भी रह सकता है, लेकिन ये 2-3 दिन जो है वो काफी अच्छे रहेंगे और जो भीषण गर्मी है उससे काफी ज्यादा राहत मिलने की हमें संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में भी 1 और 2 तारीख को, 31 में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो सकता है, 1 और 2 तारीख को अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, औरैया, कानपुर, जालौन, ये जो इलाके हैं यहाँ पर धूल भरी आंधी या बारिश हो सकती है। उसी तरह से आपका जौनपुर और बीजापुर, सोनभद्र, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, ये सारे इलाके भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी देख सकते हैं। और 2 तारीख के आसपास हो सकता है कि मुरादाबाद से लेकर के ये तराई वाले इलाके हैं, मुरादाबाद, रामपुर, पीली,
बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, खुशीनगर, संत कबीर नगर, गोंडा बस्ती, ये सारे इलाकों में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है और ये नेपाल से लगे हुए इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना 2-3 तारीख को दिखाई दे रही है। तो कुछ न कुछ राहत यहाँ पर दिखाई है। अब अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में किशनगंज, अररिया, सुपौल, माधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, ये जो सहरसा वगैरह, यहाँ पर बारिश अब शुरू हो सकती है कई इलाकों में। बाकी इलाके ऐसा लग रहा है कि ये जैसे कि वैशाली हो गया, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, पटना, गया, जहानाबाद, बेगूसराय, यहाँ पर थोड़ा सा मौसम गर्म रहेगा, बादल बगल छा सकते हैं। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैसे कि मैंने बताया कि अभी भी आज भी कुछ इलाकों में बादल बादल छा सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि धीरे धीरे मॉइस्चर जो है वो अरब सागर से आ रहा है और अब उसके बाद गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, जयपुर, इन इलाकों में बारिश हो सकती है और आंधी आ सकती है। कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ वगैरह में भी हो सकता है कुछ वेदर एक्टिविटी हो जाए, तो इस तरह का माहौल बनेगा। और जो गर्मी है क्योंकि हवाएं बदलेंगी, पश्चिमी हवाओं की जगह, गर्म पश्चिमी हवाओं की जगह अपेक्षाकृत थोड़ी सी नमी वाली हवाएं अरब सागर से आएंगी तो तापमान गिर जाएगा। मध्य प्रदेश में कोई खास वेदर एक्टिविटी अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश गर्म रहेगा, शुष्क रहेगा, बादल वगैरह कहीं छा सकते हैं, लेकिन कोई खास मौसमी गतिविधि हमें यहाँ पर अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। और जैसे मैंने पहले भी दिखाया था आपको कि जो वेदर एक्टिविटी है अगर हम देखें तो ये देखिए आप, ये है 1 तारीख का, तो 1 तारीख में ये देखिए पूरा मध्य प्रदेश सूखा पड़ा है। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो सुकमा, बस्तर, दांतेवाड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर 1-2 तारीख से अच्छी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और झारखंड वगैरह में जैसे पूर्वी झारखंड में हल्की फुल्की बारिश वगैरह हो सकती है, जैसे कि लोहा, ये अपना दुमका, पाकुड़, धनबाद, जमशेदपुर, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। गंगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी 1-2 तारीख से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। सिक्किम से लेकर के पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश की गतिविधियां रहेंगी, मानसून समय से पहले पूर्वोत्तर राज्यों को छू सकता है, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने वाली है। और अगर हम और दक्षिण की तरफ चलते हैं तो अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा तो लगभग सूखे रहेंगे, गर्म रहेंगे। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में भी धुले, नंदुरबार वगैरह में कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। गुजरात पूरी तरह सूखा रहेगा, गर्म रहेगा, लेकिन हाँ यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी जो अरब सागर से हवाएं आएंगी उससे थोड़ा सा तापमान गिर सकता है, गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अभी 1 तारीख को आपका सांगली, सतारा, कोल्हापुर में तो बारिश नहीं होगी, लेकिन सुंदर, रत्नागिरी, गोवा वगैरह, ये जो इलाके, रायगढ़, रायपुर, यहाँ पर बारिश हो सकती है। मुंबई में और थाने, दानू, अलीबाग में भी बौछारें हल्की फुल्की और बादल छा सकते हैं 1 तारीख को। और 2 तारीख और 3 तारीख में जो देखेंगे हम तो सांगली, सतारा, कोल्हापुर, उस्मानाबाद, ये परवनी और नांदेड़, हिंगोली, लाठौर, जलना, ये सारे इलाके बारिश देख सकते हैं। औरंगाबाद वगैरह, जो संभाजी नगर वगैरह हो गया, और आपका नासिक, मालेगांव, इनमें भी कुछ वेदर एक्टिविटीज होती है। पुणे और महाबलेश्वर वगैरह में भी मौसमी गतिविधियां बदल सकती हैं, ये ऐसा लग रहा है। और अगर देखें तो ये जो तेलंगाना है यहाँ पर भी लगातार 1-2 तारीख से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है वहां से लेकर के अगर यहाँ पर देखें तो ये गंगे पश्चिम बंगाल और उपमाली पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश होगी। अब कर्नाटक की बात करें तो नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक है, जैसे बिदर है, कालाबुर्गी है, और बीजापुर है, यदगीर है, बालाकोट है, रायचूर है, बगलकोट, कोप्पल, धारवाड़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर गडक वगैरह में थोड़ी हल्की बारिश रहेगी। लेकिन साउथ इंटीरियर कर्नाटक में बेंगलुरु, तुमकुर, चामराजनगर, मैसूर, ये और बेलगावी से लेकर के होनाबार और कारबार, बेंगलोर वगैरह में अच्छी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और ये तेलंगाना में भी लगातार बारिश रुक कर होगी और काफी ज्यादा मौसम सुहावना हो जाएगा। यहाँ पर भी अब मानसून आने तक लगातार प्री मानसून गतिविधियां जारी रहने की संभावना नजर आ रही है। उसी तरह से आपका कोस्टल आंध्र प्रदेश में विजयनगरम, श्रीकाकुलम, कृष्णा, गोदावरी, गुंटूर से लेकर के कुरनूल, कडप्पा, अनंतपुर, इन सारे इलाकों में कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी अगले 3-4 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। जो गर्मी है उससे काफी ज्यादा राहत मिलने की संभावना है। तमिलनाडु में भी 1-2 तारीख से कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। इंटीरियर पार्ट्स में ज्यादा बारिश होगी, कोस्टल में थोड़ी कम होगी। नीलगिरी हिल्स में और ज्यादा अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। केरल में मानसून 1 तारीख को पहुंच जाएगा, तब तक के लिए प्री मानसून गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो अगर मानसून की जैसे अगर हम बात करें कि पूरे भारत में मानसून कैसा रहेगा, तो इस बार ऐसा लग रहा है कि दक्षिण भारत, यानी पूरा दक्षिण भारत और मध्य भारत में
सामान्य से ज्यादा बारिश रहने की संभावना नजर आ रही है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये जो इलाके हैं यहाँ पर सामान्य या सामान्य से थोड़ा सा ज्यादा बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में और पूर्वी राज्यों में जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये जो इलाके हैं यहाँ सामान्य बारिश होगी। उड़ीसा में सामान्य से कुछ कम बारिश की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी सामान्य से कम बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी सामान्य से कम बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। तो ये सारा जो वेदर सिस्टम है किस तरह से आगे बढ़ेगा उस पर हम नजर बनाए रखेंगे। मानसून जब ऑनसेट करेगा उसके बाद किस तरह से आगे बढ़ेगा उसके बारे में भी हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।